बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवा के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीटेक पॉलिटेक्निक होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट आंधरढाला ओवरब्रिज के नीचे सिवा। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि सिवान नगर परिषद की सभापति उम्मीदवार सैम्पी गुप्ता लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। इस दौरान आज सैम्पी गुप्ता ने कई सारे मोहल्लों का दौरा किया और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि सैम्पी गुप्ता को समाज सेवी जीवन यादव का समर्थन प्राप्त है और जीवन यादव भी लगातार सैम्पी गुप्ता के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं क्षेत्र का दौरा कर रही सैम्पी गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले हम तो सब भाइयों और बहनों को सब सम्मानित जनता को प्रणाम करती हूँ। हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग सभी जनता हमको विकास करने का मौका दे, एक बार हम पर विश्वास कर देखे। सबका आशीर्वाद हमको चाहिए और प्यार दुलार चाहिए। तो सबको मौका मिला, एक बार आपको भी मिलना चाहिए, एक बार हमको भी मिलना चाहिए, एक बार लोग हमको भी परख कर देखे। हम वैश्य समाज की लड़की हूँ, एक बार मुझको भी सेवा करने का मौका दे और मुझ पर विश्वास करे। मुझे जनता से यही अपील है। जनसंपर्क कर रही है, मतदाताओं से मिल रही है, भेंट कर रही है प्रतिदिन, किस तरह का जनसहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है जनसहयोग, सबका समर्थन मिल रहा है, सबका समर्थन है। तो क्या लगता है कि आप शहर में घूम रही हैं, क्या कुछ कमियां रह गई हैं और किस तरह का मतलब देखने को मिला, क्या कुछ विकास हो पाया यहाँ से? यहाँ पर तो उतना अच्छा सब अभी कुछ विकास नहीं हो रहा है हमारा देखने से। चारों तरफ कचरा भरा हुआ है, चारों तरफ गंदगी, नाली उली नाला वाला पूरा जाम पूरा पड़ा है, एकदम जाने का रास्ता भी नहीं है ठीक से कि हम लोग चल सके। इसलिए हम यही कहना चाहूँगी कि एक बार लोग हम पर विश्वास करें कि हम इस जनता की सेवा करें और एक बार भ्रष्टाचार से इसको मुक्त करा दें। क्या लगता है कि अभी आप जहाँ पाल नगर में गई थी वहाँ पे सालों भर घुटने भर पानी लगे हुए सड़क पर? सालों भर लगा रहता है पानी वहाँ पर। और तो जनता को ये सोचना और समझना है कि किसको चुने जनता, अगर हमको चुनती है तो हम सिवार को एकदम अच्छा से स्वच्छ बना कर रहेंगे। क्या लगता है कि मतलब वो सड़क ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया? हाँ, चढ़ गया है। अब जनता के ऊपर है, जनता इस बार आपको मौका क्यों दे? मौका दे कि हम जो नहीं विकास हुआ है, जो यहाँ पर सब ऐसे तैसे पड़ा है, उसको हम अच्छा से कर सके और विकास करें, इसको आगे बढ़ाएं। हम लोगों से यही जनता से कहेंगे, हम जनता से यही अपील करेंगे, कहेंगे जनता एक बार हमको सेवा करने का मौका दे और विकास करने का मौका दे। कहेंगे आप लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं सड़कों पे, अभी आप पाल नगर में गए थे, क्या कुछ देखा वहाँ पे लोगों से? देखिए, पहले तो हम सिवान के तमाम जनता से अनुरोध करेंगे कि मौका है सिवान के परिवर्तन और सिवान के विकास में। जो पिछले विगत दिनों से आप देखते आए हैं, जो लोग पहले रहे हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वे लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसका उदाहरण आपको देखने को मिला होगा। इसके पूर्व में, उसके पूर्व में जितने लोग रहे हैं कहीं ना कहीं विकास करने का काम नहीं किए हैं। सिवान नगर निगम नहीं, नरक निगम बन चुका है इन 20 वर्षों में, जब से ये चुनाव का प्रक्रिया चालू हुआ है। हम